तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और सात घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। ड्राइविंग टेस्ट है हमारे सामने, तो वो कोर्स हमने करना है। और सबसे अहम बात कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम दुरूद शरीफ इसके बाद पढ़ें और टेस्ट यहाँ से शुरू कर दें। अपना और वालिद साहब का नाम लिख दें, फाइल नंबर लिखें और यहाँ पे वो साइन करें जो आपके आईडी कार्ड पे हैं। तो यहाँ पे से टेस्ट शुरू करना है। सबसे पहले वो सवाल करें जो आपको अच्छी तरह आते हैं, फिर बाद में दूसरे इधर उधर से नहीं करने, बल्कि अपने पास से भी नहीं करने, जहन से सोच के करने। डबल इंडिकेटर इसीलिए इस्तेमाल होता है, ये बार बार आ रहा है। एमरजेंसी लाइट के लिए, नंबर दो सीधा जाने के लिए, नंबर तीन एक लाइन में रहने के लिए। एमरजेंसी लाइन, एमरजेंसी लाइट के लिए। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा ताकत किस गियर में होती है? नंबर एक रिवर्स गियर में, नंबर दो पहले में, नंबर तीन टॉप गियर में, रिवर्स गियर में होती है। आप मोटरवे के हार्ड शोल्डर पर कब रोक सकते हैं? नंबर एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करते वक्त, नंबर दो थक जाएं और आराम करना हो, नंबर तीन पे गाड़ी ख़राब होने की सूरत में, गाड़ी ख़राब होने की सूरत में मोटरवे के हार्ड शोल्डर पे रोक सकते हैं। कोई 10 से ज़्यादा बार ये आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, आप बाएं जानिब से कब ओवरटेक कर सकते हैं? चौथा सवाल है, जब आपने मुड़ना हो, नंबर दो आहिस्ता चलने वाली ट्रैफिक को, अगली गाड़ी दाएं मुड़ रही हो और इसका इशारा लगा हुआ हो। तो अगली गाड़ी जब मुड़ रही हो और इसका इशारा लगा हुआ हो। हाईवे पर कार की हद रफ्तार 100 किलोमीटर, 110 और 120, 100 किलोमीटर हाईवे पर कार 100 से ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। नेक्स्ट है, आप अपनी हेडलाइट कब ऑन करें? नेक्स्ट 30 मिनट कबले गरूबे आफ्ताब, यानी सूरज डूबने से 30 मिनट पहले। नंबर दो 30 मिनट बाद अज गरूबे आफ्ताब, यानी गरूबे आफ्ताब के 30 मिनट बाद और गरूबे आफ्ताब के 3 मिनट बाद, 30 मिनट पहले सूरज डूबने से पहले ऑन कर लें। नेक्स्ट है, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना है, इमरजेंसी की सूरत में और हैंड फ्री लगा कर तो ममनू है, मना है। नेक्स्ट है सवाल 8, ओवरटेकिंग के दौरान कितनी बार इंडिकेटर इस्तेमाल होता है? एक बार, दो बार और तीन बार, दो बार इस्तेमाल होता है। रबर नेक कब की जाती है? एमरजेंसी, ओवरटेकिंग के लिए और गाड़ी पार करते वक्त, तो ओवरटेकिंग के लिए रबर नेक इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है, गोल चक्कर में सबसे पहले किसके इंतखाब करें? लाइन का और इशारा कार, तो लेन का इस्तेमाल कर जो सड़क पे लेन लगी होती है। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला लेक्चर दूंगा, तो आपसे गुजारिश यह है कि अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें और खिदमत